गुड मॉर्निंग गाइस, सीएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार को हमारा टेस्ट का डे होता है आरएससीआईटी का, तो हमारा आरएससीआईटी के जो 20 क्वेश्चंस हैं मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। आप कंसंट्रेट क्वेश्चंस को स्टडी करें, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एएलयू किसका हिस्सा होता है? कंप्यूटर, मॉडेम, सीपीयू या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखो, एएलयू जो है पार्ट ऑफ सीपीयू, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? इट मीन्स उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर के? तो यहाँ पर कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के रूप में इसको देखा गया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप किसका टाइप है? तो लैपटॉप आपका जो बी ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आप इसका पीडीए डिवाइस हो गया, ये जो सारी पोर्टेबल जो डिवाइस होती हैं आपकी, वो सारी आपकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के एडवांटेज में ए ऑप्शन में स्पीड दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है बी ऑप्शन में, स्टोरेज सी ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोक्स सभी। तो यहाँ पर देखो, कंप्यूटर के जो सारी वर्किंग में आता है, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड भी होती है किसी भी काम को करने के लिए, कंप्यूटर कैलकुलेट भी कर सकता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करता है तब, वो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, डिवाइडेशन हो, या इसके अलावा कोई किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी भी कंप्यूटर रखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परम कंप्यूटर है वो किसका एग्जाम्पल है? परम जो कंप्यूटर है, यहाँ पर देखो गाइस, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सी ऑप्शन जो आपका सुपर कंप्यूटर जो दिया हुआ है, इट इज़ अ राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ परम कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन इज, स्मार्ट जो कंप्यूटर है वो किसका एग्जाम्पल है? स्मार्ट कंप्यूटर, तो स्मार्ट कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होगा, स्मार्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर को किस डिवाइस के द्वारा निर्देश दिया जाता है? इट मींस इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड होता है कंप्यूटर को, वो किस डिवाइस के हेल्प से होता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आपका ए ऑप्शन, यानी इनपुट डिवाइस के हेल्प से जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन कंप्यूटर जो है आउटपुट डिवाइस के हेल्प से यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। K202 कौन सी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? K202, तो यहाँ पर K202 जो है मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मौसम की भविष्यवाणी करने में कौन से कंप्यूटर का यूज़ होता है? मौसम की भविष्यवाणी करने में, या कंप्यूटर भूकंप की तीव्रता को मापने में, जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। इसकी कैपेबिलिटी इतनी हाई होती है कि वो भूकंप की तीव्रता को तथा जो मौसम की जो जानकारी है कि आज कहाँ से किस टाइप से मौसम बना हुआ है, तो ये सारी जानकारी जो है वैज्ञानिक को सुपर कंप्यूटर ही प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, एयरपैड दोनों और मॉनिटर? तो यहाँ पर देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका, सी को ऑप्शन, एयरपैड दोनों जो है आपकी इनपुट डिवाइस में ही काउंट होती हैं। माउस को लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस का भी एग्जाम्पल कहा जाता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी की के द्वारा नए डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है? तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन, यानी न्यू डॉक्यूमेंट के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन होती है। डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस। जब आप कंट्रोल प्लस एस यानी सेव जब करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को कंट्रोल प्लस एस की, कंट्रोल प्लस एस जो है कि यूज करता है यूजर। नेक्स्ट, किस की के जरिए एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाइपर लिंक होता है इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, और एंड्रॉयड जो है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड के अलावा फोन ओएस, एप्पल का आईओएस, ये सारे आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। किसी भी ऐप को
मोबाइल में डाउनलोड किया जाता है, प्ले स्टोर के माध्यम से, विंडोज स्टोर के माध्यम से, एयरवे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए, सॉरी, प्ले स्टोर आप डाउनलोड करते हैं, या मिस्टेक हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को शुरू किया गया था जनवरी 2015 में। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और डी जो आपका 20 क्वेश्चन है, कौन सी कमांड चुने गए टेक्स्ट को ऊपर की ओर कर देता है, तो ये आपका होता है सबस्क्रिप्ट, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारी 20 क्वेश्चन सीरीज थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।